ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। सदियों से सभी कुछ धरती बच्चों के लिए जो सहती, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, किस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो ज्ञान से प्यारा होता है, मेहमान जो हमारा होता है वो ज्ञान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लाचों को थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो एक चीज ही बसती, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इंसान से इंसान का हो भाईचारा यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से इंसान का हो भाईचारा यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, हाँ प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, प्रभु को गले से लगाते चलो, गंगा बहाते चलो।
छोड़ के धीरा लमाथा में लगाते हो, लेकिन ऐसे संभव नहीं है। मैं मोर दोस्त राठी जी पर आया हूँ, आए क्या बोला तकलीफ होती है और बहुत कम समय आपके बीच में रही हूँ, आवाज में भी आपका लगत हुई है, तो मैं आपके आदेश के पालन करे बर आया हूँ। आप आदेश कर दो, जो भी दो तीन टू आपकी इच्छा हुई मैं आपका सुना के जाइए। और मैं आज गर्व महसूस करा तो मोहित नामदेव जी के साथ में मैं मंच में खड़े हूँ और अभी मैं सुना रहे हूँ तो बहुत 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 अच्छा, ये उम्र में बहुत कम उम्र इतना बढ़िया बजाते हैं। जरा जोर से मोहित नामदेव जी का नाम भाई दिलीप सारंगी जी का राधा कृष्ण मंदिर समिति की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। बम्बई से आए ही थे, मतलब ये दर्शन करने जरूर आना है, फिर मुझे अचानक याद आया कि आज 15 अगस्त है, तो मैंने भैया से निवेदन किया कि आज आधी घंटा पौन घंटा जो अच्छा लगे आपको तो आप जरूर मंच में समय दीजिएगा। तबीयत खराब थी उसके बाद भी इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और अभी अपने बीच उपस्थित हैं। ये इनका सहज सरल स्वभाव है और ये पूरे देश में विख्यात है। मैं छत्तीसगढ़ के धरती से हमारे दिलीप भैया का सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनकी वाणी में जो सरस्वती विद्यमान है ये पूरे देश में अपने गान से सभी को लुभाए। मैं इसी आशा विश्वास के साथ मंच श्री दिलीप भैया को देता हूँ। धन्यवाद मेरा, और गाने की रिकॉर्डिंग में था अल्ट्रा म्यूजिक से आ रहे हैं मेरे कुछ साईं भजन है और गणेश जी के भजन है मुंबई के लिए, इसलिए अभी इतना लंबा समय और मुंबई बरसात बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ाया, लेकिन चूँकि स्वास्थ्य से बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज़ होती है मोहब्बत, और वो मोहब्बत है मुझे राठी साहब से, तो मैंने उस मोहब्बत को निभाने की कोशिश की है। हो सकता है मंच पे ना निभा पाऊँ, लेकिन शारीरिक तौर पर मैंने निभाने की कोशिश की है। और मैं आप ही से पूछता, राठी जी बता दीजिए पहला कौन सा गाना गा का आप जैसा सुना इच्छा आपके। अभी कुछ बच्चे आए थे बोले भैया हम लोग डांस बंद करके आए हैं, आप जब गाएंगे तब हम नाचेंगे। मैंने कहा कौन सा गाना, तो बोले नहीं आमा पान की पत्री झुपत आ गया। मैं बोला और आपको जान के खुशी होगी बीच में शिरडी में 10 मार्च को मेरा कार्यक्रम था, मैं पूरा कार्यक्रम खत्म किया, अंतिम में लोग अड़ गए बोले आमा पान की पत्री गाई गई शिरडी में, तो ये सब माँ की कृपा है। और नामदेव जी मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, ये पवित्र मंच है, झूठ मैं नहीं बोलता हूँ, मंच से हमेशा मेरी इच्छा होती है सच बोलने की, यकीन मानिए मेरे नाम की लॉटरी लग गई है, मुझे आता जाता कुछ नहीं है, जो भी गाना गाया हिट हो गया, जैसे आप भी लॉटरी खरीदने गए मैं भी खरीदने गया, मेरा इनाम फंस गया, इतना ही है। और कोई दिलीप सारंगी बहुत बड़ा कलाकार नहीं है, बहुत मामूली साधारण इंसान मामूली व्यक्ति है, और अगर आप आदेश करें तो अपने ऊपर 4 लाइन हर बार कहता हूँ, आज भी कह दूँ 4 लाइन अपने ऊपर मैंने लिखा है, स्वीकार कीजिए कि तेरी वाणी सत्य हो गई हो तुलसी कबीराय, तेरी वाणी सत्य हो गई हो तुलसी कबीराय, हंस सुख रहे दाना तुमका कौआ मोती खाए, और तान पलंग पर कंस सो रहे, भैया मैं कंस मामा, मामा भी अच्छा नहीं हूँ, तान पलंग पर कंस सो रहे कृष्णा पाद दबाए, और कोयल देखे टुकुर टुकुर और कौआ राग सुनाए, डूबन बना चुल्लू भयो डूबल को ना चुल्लू भयो उल्लू सभा सजाए, और घोड़े सुने कुछ चुप बैठे जो कुछ कथा बताए, नाचे नाच सपेरा आपको नागन बीन बजाए, और सब कुछ उल्टन मल्ला गाओ कहीं शरण कबीराय। मुझे खुद पे यकीन नहीं आता कि आप मुझसे क्यों इतना प्यार करते हैं, लेकिन ये जरूर मुझे लगता है कि आपको मुझसे बेपनाह मोहब्बत है। पेश कर रहा हूँ आपकी पहली फरमाइश आमा पान की पत्री।
भैया अच्छा पहले तो आप सभी जितने आपको प्रणाम है, चरण वंदन है। मैं भैया कमजोर आदमी हूँ, मुझे नहीं आता है गाना, आप कहीं पे भी बिगड़ेगा संभालिएगा। और शायद आप लुधियाना से चाहिए, हाँ तो आमा बन के तो थोड़ा बहुत नोट लग लगा दीजिए, अगर गला फर्क पड़ेगा तो कम कर रस्ताला देखो तुरे बंदा तो बंदा रस्ताला देखो तुरे बंदा तो बंदा रस्ताला देखो तुरे बंदा तो बंदा दुर्गा दुर्गा आरती शक्ति दुर्गा पत्तवाणी दुर्गमच्छे दुर्गुस्तादी दुर्नाशी दुर्गतोद्धारी दुर्हंत्री दुर्माभा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्य लोकनवाना दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्मा स्वरूपिणी दुर्गमा पदा दुर्गम विद्यार्माष्टा दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाष्टि दुर्गोहा दुर्गम का दुर्मा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुधारी दुर्मागी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्भागुधारी नामा वन्नास्तु दुर्गाया मम मानव पठे सर्वान् मुक्तो भविष्यति न संशय।
परमेश्वर आहान न जाना न जाना विसर्जन पूजा जाना क्षम्यता परमेश्वर मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी यत्त मया परिपूर्ण तदस्तु में अपराध शपथ्वाचरे शिरडी वाले से जिसका संबंध है शिरडी वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है वो मुरली वाले से मुरली वाले से मुरली वाले से वो मुरली वाले से हो मुरली वाले से जिसका संबंध है संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है वाले से, वाले से, आ, 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 आ,
इज कॉल्ड सत्संग, व्हिच इज योर सत्संग रेडी, व्हिच इज योर सत्संग। हमारी मिसेज भी बैठी है, भगवत पूजा पाठ वाली है, वो जिसको सत्संग क्या है बताना चाहता हूँ। लुधियाने वाले भाई साहब, दुनिया में नामदेव जी आपके सामने अर्पित कर रहा हूँ, सबसे अच्छा बाजा कौन सा है? बेहतर ही है, धीरे धीरे बजते रहिए। सबसे अच्छा बाजा ना तो ढोलक है, ना तो तबला है, ना तो शहनाई है, ना तो तुगी पैड है, ना तो ऑक्टो पैड है। दुनिया में अगर सबसे अच्छा बाजा है तो आपके हाथों की ताली, अगर ताली नहीं बजी ना तो कोई बाजा का महत्व नहीं है। इसलिए आज हमारे आमंत्रित कलाकारों को हमको बताना है कि दुर्ग वाले कैसे स्वागत करते हैं। जरा इनके साथ इनसे जोर से 1 2 3 आईएएस अफसर डॉक्टर राजू ने गाया है और अभी वो हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी, उनके मिसेस चंडीगढ़ में कलेक्टर हैं। कल ही रिलीज किया है, आप यूट्यूब खोलिएगा और एबीएम गाना दिलीप सरंगी देशभक्ति लिखिएगा, वो मिलेगा आपको। और उसे कलेक्टर साहब ने गाया था। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा सचमुच इनके लायक नहीं है। मैं बहुत छोटा कलाकार, बहुत अच्छा बजा रहा हूँ। ढोलक वाले भैया आपको प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम, तबला वाले भैया आपके माता पिता को प्रणाम, ये बच्चे कीबोर्ड वाले पैड वाले बहुत अच्छा बजा रहे हैं। मैं आपसे कमजोर हूँ, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। होठों में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी, उस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा नहीं लाल सबको, थोड़े में गुजारा होता, थोड़े में गुजारा होता है। सदियों से सभी कुछ बच्चों के लिए जो सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है।
कहेगा तू मैया एक ने तुझको जन्म दिया रे एक ने तुझको पाला मैया किसको कहेगा तू मैया मेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं हर जान की कीमत जानते हैं मिलजुल के रहो और प्यार कर एक चीज ही बस रहती हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है इस देश में गंगा बहती है मैं हाजिर हो जाऊंगा तू याद किया कर मैं हाजिर हो जाऊंगा तू इजाजत दिया कर मैं मचल के गाऊंगा कलाकार हूँ चंद घंटे जीता हूँ तू जिंदगी दिया कर मैं जीने आऊंगा शुक्रिया नमस्कार अंतिम दो लाइन हमारे पंडा जी की फरमाइश है दो लाइन जाते वक्त मैं गाता हूँ आते वक्त मेरा आना जाना अलग होता है मुबारक देने आए थे मुबारक देने जाते हैं मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम ले जाते हैं हम तो जाते अपने गांव अपनी राम 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 हम तो जाते अपने गांव अपनी राम 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 सबको राम 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 अपनी राम 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 सबको राम 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 अपनी राम 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 अपनी राम 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 अपनी राम 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 अपनी राम 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 दिल से भुला देना कोई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना उसे दिल से भुला देना कोई दीवाना था पापा में उसकी ध्यान क्या देना उसकी ध्यान क्या देना हम तो जाते अपने नाम अपनी राम 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 हम तो जाते अपने नाम अपनी राम 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 सब राम 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 सबको राम 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 अपनी राम 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 अपनी राम 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 अपनी राम 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 राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे मैं दो मिनट और लूंगा सभी आए अतिथि कलाकारों का मैं राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण से हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आदरणीय संतोष रुंगटा जी से निवेदन करूंगा भाई दिलीप सारंगी जी का पुष्प माला से स्वागत करें मैं आदरणीय गुंडरदेही के विधायक साहब श्री राय साहब सुनूंगा वे हमारे साथी कलाकार और हमारे साथी कलाकार जो राउरकेला से आए हैं उनका स्वागत करें और दो शब्द कहें राइट सुनो तो चुंटू भाई
ये कम बड़ी बात है इतने बड़े रुमता कॉलेज के डायरेक्टर दिलीप सनई जैसे मामूली कलाकार को स्वागत कर रही है। मैं इला हमारे एक सेम्पी गांधी जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मैं इस योग्य नहीं हूँ लेकिन आपने इस योग्य समझा। और आदरणीय रुमता जी का कहना था कि अभी यहाँ दुर्गा पूजा है गंजपारा में, तो एक डेट उनको चाहिए, मैंने उनके लिए एक डेट रख दिया। यही सुनने का ऐलान करने के लिए समय तारीख आपको एक दो दिन में पंडा जी बता देंगे। और रुमता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा, थैंक यू। 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस दुर्गा उत्सव समिति के, और किसी कार्यक्रम का 50 वर्ष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात रहती है। और आपको समय भी निकालना है, आज दो कलाकारों का, एक बांसुरी पर हमारे लुधियाना से नामदेव जी और भाई दिलीप सारंगी जी बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। कृष्ण जी का जन्मोत्सव भी होगा, मैं आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस पूरी टीम का बिना किसी रियाज के, और इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, निश्चित रूप से हम सबको आनंद आ रहा है। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, धन्यवाद। एक छोटी सी घोषणा और है, और आपको शायद जान, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, साई बाबा शिरडी मंदिर 100 साल पूरे करने जा रहा है 31 दिसंबर को। और अभी लगातार नितिन मुकेश जी, सुरेश वाटकर के कार्यक्रम, सबके कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मालूम किस जन्म में क्या पुण्य किया हूँ, 31 दिसंबर को लगभग 7 लाख पब्लिक के बीच मेरा कार्यक्रम है। ये केवल आपका आशीर्वाद है, अन्यथा और कुछ भी नहीं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, थैंक यू। नाइट अब मैं भाई नामदेव जी को ये मंच पूर्ण से सौंपता हूँ, और वे पूरी दुर्ग की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी बांसुरी से मंत्रमुग्ध करें।